हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डीएनए प्रतिलिपिकरण से संबंधित प्रोटीन कारक और एंजाइम्स। तो सबसे पहले और इसमें हम उदाहरण देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका का, इकोलाई कोशिका का। तो सबसे पहला जो एंजाइम जो प्रोटीन सॉरी डीएनए प्रतिलिपिकरण में भाग लेता है वो पॉलीमरेज एंजाइम है। ये एंजाइम जो है डीएनए संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। सबसे पहले जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है, जिसे हम कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। 1951 में कॉर्नबर्ग ने ही दिखाया था कि इकोलाई से जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने प्रिपेयर किया था उसमें ये एंजाइम उपस्थित था, और सबसे पहले ही देखा था, इसलिए इसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नाम दिया। ये जो एंजाइम है केवल न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को ही एज अ सब्सट्रेट यूज करता है, डाइफॉस्फेट या मोनोफॉस्फेट यहाँ पे क्रियाधार की तरह उपयोगी नहीं होते। अब हम देखते हैं इस एंजाइम में उपस्थित एक्टिव सेंटर या सक्रिय केंद्र। तो इस एंजाइम में मुख्यतः चार सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं। सबसे पहला है टेम्पलेट साइट, जहां पर टेम्पलेट डीएनए की टेम्पलेट चेन आकर बाइंड करती है। दूसरा है ट्राइफॉस्फेट साइट, जहां पर चारों जो डीएमटीपीज हैं वो आकर बाइंड करते हैं और बाइंडिंग साइट के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। तीसरा है प्राइमर टर्मिनस साइट, जहाँ पे जो 3'5' एक्चुअली ये जो साइट है वो 3'-5' हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज का मेन पॉइंट है। देन फोर्थ है प्राइमर साइट, जहाँ पर आकर प्राइमर चेन अटैच होती है और एक्चुअली इसी पर फिर न्यू डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। अब हम देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के कार्य। तो मुख्यतः इनके तीन कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य है 5'-3' पॉलीमराइजेशन, या जिसे हम कहते हैं डीएनए की श्रृंखला का बढ़ना, जिसमें एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके डीएनए की श्रृंखला को बढ़ाते हैं। तो इस पॉलीमरेज एक्टिविटी में एक्चुअली ये जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है प्राइमर में जो उपस्थित होता है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है जो एक्टिवेटेड डीएनए सक्रिय जो इनकमिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है उसके 5'फॉस्फेट पर, और इस तरह 3' और 5' दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। हम पहले भी जो वीडियो है जिसमें हमने डीएनए की प्राथमिक संरचना के बारे में बताया था उसमें हम बता चुके हैं कि किस तरह दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है और वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो वो जो क्रिया है वो इस एंजाइम द्वारा प्रेरित होती है। दूसरा इसका फंक्शन या कार्य डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का वो है 3'-5' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। आप सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लिएज एंजाइम है वो न्यूक्लिक एसिड का विघटन करते हैं, और एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है वो उसे उसके एंड से विघटित करते हैं, या तो 3' या 5'। तो 3'-5'-5' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी में डीएनए जो है वो 3' एंड से 5' एंड की तरफ एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है। तो इस एक्टिविटी को हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। जिस तरह हम कोई चीज़ लिखने के बाद उसे फिर से पढ़कर चेक करते हैं कि कुछ गलत उसमें लेटर या वो तो नहीं है, इसी तरह अगर कोई इनकरेक्ट बेस पेयर अगर ऐड हो गया है तो 3'-5' एंजियोन्यूक्लिएज एक्टिविटी के द्वारा उस लेटर बेस पेयर्स को रिमूव किया जाता है। इसीलिए हम इसे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं, जो बिल्कुल कंप्यूटर में उपस्थित एक डिलीट की तरह होता है, जिससे हम एक इनकरेक्ट लेटर को डिलीट कर देंगे। तीसरा जो कार्य है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का है वो 5'-3' एंजियोन्यूक्लिएज एक्टिविटी, जो कि पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी के साथ सेम डायरेक्शन में काम करती है, और 5' एंड से एक एक न्यूक्लियोटाइड को मोनो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में रिमूव करती जाती है। इस एक्टिविटी का मुख्य कार्य है डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया के बाद आरएनए प्राइमर को वहाँ से अलग करना, इस आरएनए प्राइमर को यहाँ से अलग करना। तो ये जो एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, ये हमेशा जो है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी के साथ ही होती है। जैसे ही ये रिमूव करते जाता है 5' एंड से बेस को, तो साथ ही साथ न्यू करेक्ट बेस जो है वहाँ ऐड होते जाते हैं। तो इस तरह एक निक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर धीरे धीरे ऐसे मूव करता जाता है, जिसे हम कहते हैं निक ट्रांसलेशन। और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो निक जो है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा गैप जो है उसे भरा जाता है। अब लास्ट में ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है, इसे जब सब्टिलिसिन प्रोटीज एंजाइम द्वारा डिग्रेड किया जाता है, जो कि बेसिलस सब्टिलस से प्राप्त होता है, तो दो फ्रैगमेंट्स में ये डिग्रेड होता है, एक बड़ा फ्रैगमेंट और एक छोटा फ्रैगमेंट। बड़े फ्रैगमेंट में 5'-3' पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है और 3'-5'
फ्रेगमेंट एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। इस फ्रेगमेंट को हम क्लेनाउ फ्रेगमेंट कहते हैं और जो छोटा फ्रेगमेंट है उसमें सिर्फ 5' ड्राइव एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो ये जो क्लेनाउ फ्रेगमेंट है इसका उपयोग